जी तो दोस्तों, मैंने दोबारा बाइक ऑन कर ली है। तो यहाँ सड़क के साथ साथ बहुत खूबसूरत दरख्त हैं, लोग हैं प्यारे प्यारे, और साथ में ये देखें, ये झील, नदियाँ, दरियाओं के किनारे, कैनाल्स, लेक्स। दिस इज़ रियली अ वंडरफुल एक्सपीरियंस इन चाइना। तो चाइना में बाइक चलाने का अपना ही मज़ा है, साथ में बाइसिकल। लेकिन बस आपको थोड़ा सा, आज मैं चला रहा हूँ बाइसिकल, मेरे पीछे है चाइना की सड़कें, चाइना की गलियाँ, चाइना के लोग। और दोस्तों, आज का जो मेरा व्लॉग है वो है जी चाइना में, ये जो साइकिल, बाइक्स और बाइक और इसके साथ गाड़ियाँ जो आप स्कैन करके खोल सकते हैं, तो ये बहुत ही अच्छी एक फैसिलिटी है लोगों के लिए, चाइनीज़ लोगों के लिए, फॉरेनर्स के लिए, कि वो ऐप्स डाउनलोड करते हैं। और ये जो मैंने बाइसिकल खोली है, ये 1.5 युआन, 1.5 यानी कि 1.5 युआन पे इसको मैंने स्कैन किया है, और इसको मैं 30 से 45 मिनट तक चला सकता हूँ। और एक चीज़ जो सबसे अच्छी है वो ये कि यहाँ पे जब भी आपको बाइक या गाड़ी या बाइसिकल स्कैन करके खोलते हैं, ओपन करते हैं, तो जब आपने उसको पार करना होता है, तो उसको पार्किंग पे आपने पार करना होता है। ऐसा नहीं है कि आपने बस बाइसिकल खोल ली, ओपन की और चलाना शुरू कर दिया और जहाँ मर्जी उसको रोक दिया, ऐसा नहीं है। आपको रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं। रूल्स फॉलो करने के साथ साथ आपको सड़क के रूल्स का भी ख्याल रखना पड़ता है। तो ये बहुत ही अच्छी फैसिलिटी है चाइना में। चाइना में येलो कलर की, ब्लू कलर की, रेड कलर की बाइक्स हैं, इसके साथ साथ बाइसिकल्स हैं। आप एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। अगर आपने बाइसिकल पे जाना है तो आप बाइसिकल पे जा सकते हैं। अगर आप गाड़ियों पे जाना चाहते हैं तो गाड़ियाँ भी जो हैं वो जस्ट 2 युआन लेती हैं जी, स्टॉप टू स्टॉप। चाहे आप उसके 20 किलोमीटर का सफ़र तय कर लें, चाहे आप 1 किलोमीटर का सफ़र तय कर लें, आपको 2 युआन देकर ही चढ़ना होता है। तो यही सूरत हाल कुछ बाइसिकल की है, जो मैं बाइसिकल चला रहा हूँ। ये 1.5 युआन या 2 युआन पे ओपन होती है, आपकी मोबाइल पे वीचैट के थ्रू, याली पे के थ्रू आप इसको स्कैन करते हैं। ये देखें, यहाँ पे आप स्कैन करते हैं, इससे पीछे भी स्कैन कोड लगा होता है, यहाँ पे आप स्कैन करके इसको ओपन कर सकते हैं। और फिर जब आपने इसको रोकना हो तो आप इसको रोक भी सकते हैं। ये देखें चाइना की खूबसूरत सड़कें, खूबसूरत गलियाँ, मेरे पीछे आते लोग। दिस इज़ रियली अ ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस इन चाइना। आज वैसे भी सनशाइन है लेकिन ठंडी ठंडी हवा है। सर्दियों में बाइक और बाइसिकल तो नहीं चलाने चाहिए, लेकिन मैं चला रहा हूँ ताकि आपको अच्छी अच्छी वीडियो भी दे सकूँ। तो मुझे थोड़ा थोड़ा जुकाम भी हो रहा है दोस्तों, ये मेरा इशारा गया रुक, अब मुझे यहाँ पर रुकना होगा। मैं जी यहाँ पे रुक गया हूँ, मैं दोबारा स्टार्ट करता हूँ जी। तो दोस्तों, मैंने दोबारा बाइक ऑन कर ली है। तो यहाँ सड़क के साथ साथ बहुत खूबसूरत दरख्त हैं, लोग हैं प्यारे प्यारे, और साथ में ये देखें, ये झील, नदियाँ, दरियाओं के किनारे, कैनाल्स, लेक्स। दिस इज़ रियली अ वंडरफुल एक्सपीरियंस इन चाइना। तो चाइना में बाइक चलाने का अपना ही मज़ा है, साथ में बाइसिकल। लेकिन बस आपको थोड़ा सा रूल्स की पासदारी करना पड़ती है दोस्तों। अगर आप रूल्स की पासदारी करें, ये देखें, ये बाइक्स हैं, ये बाइसिकल्स भी हैं जो लोग इनको ओपन करते हैं और फिर चलाते हैं। तो ये पार्किंग स्टैंड पे आपको नज़र आएंगी, मिलेंगी। ये आगे एक और पार्किंग स्टैंड आ गया,
ये देखिए, ये है दोस्तों बाइसिकल्स। ये देखें, ये कितनी अच्छी सहूलत है लोगों के लिए कि लोग इस सहूलत को अवेल कर। ये बसें देखें इनकी कितनी खूबसूरत। आगे से ये लोग आते हुए, ये बसेस देखें, सेमेट्री ऑफ कल्चर। और ये जी मुझे यहाँ से केयरफुली चलाना होगी। क्योंकि जब इशारा ओपन होता है तो आपको बी केयरफुल अबाउट दैट। तो चाइना में ये जो सड़कों के साथ साथ इशारे लगे होते हैं ये चाइनीज़ ज़ुबान में है, लेकिन आपको इनका ख्याल रखना पड़ता है। ये देखें, ये तीथिये है अंडरग्राउंड जो बसें चलती हैं। दोस्तों चाइना में ड्राइविंग थोड़ी सी डेंजरस भी है, लेकिन अगर आप असूलों की पासदारी करें, अगर आप लॉज को फॉलो करें, तो आई डोंट थिंक सो कि एवरीथिंग इज़ इम्पॉसिबल, एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। तो सड़कें देखें, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा, धूप भी बहुत है। मैं बाइसिकल चला चला के थोड़ा सा थक भी गया हूँ, ऊपर से ठंड बहुत ज़्यादा है ना। लेकिन ये एक ब्रिज है, इसके साथ साथ मैं जा रहा हूँ। ये देखें दोस्तों, तो इस ब्रिज के नीचे से मैं आगे मूव करूँगा। ये देखें दोस्तों, ये बहुत ही खूबसूरत एक्सपीरियंस है कि जब भी आप चाइना में आएं तो चीज़ों को ज़रूर ऑब्ज़र्व करें, देखें, और बाइसिकल चलाने का भी एक्सपीरियंस ज़रूर गेन करें। ये देखिए, अब इशारा बंद है, बल्कि खुला हुआ है, मुझे जल्दी से निकलना होगा। ग्रीन बत्ती जल गई है और मैं जल्दी से बढ़ रहा हूँ अपनी मंजिल की तरफ। अभी भी मूव कर सकता हूँ मैं जी। तो दोस्तों, मैंने इशारा खुला था, उसका भरपूर फ़ायदा उठाया और मैं आगे आ चुका हूँ। ब्यूटीफुल चाइना, वंडरफुल एक्सपीरियंस, वो भी बाइसिकल चलाने का। तो मैं हूं दोस्तों अनहुई प्रोविंस में, यहां पे एंजॉय कर रहा हूं, आपको अच्छी अच्छी वीडियो दिखा रहा हूं, लोगों के मतलब बता रहा हूं और इनके कल्चर के मतलब दिखा रहा हूं, हर चीज़ आपकी तरफ इंफॉर्मेशन आपको दे रहा हूं। तो मेरे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें और मुझे फॉलो करें, मेरी वीडियोज़ को आगे बढ़ाएँ, ताकि मैं आपके लिए लेके आ सकूँ ज़्यादा ज़्यादा अच्छी अच्छी वीडियो। तो दोस्तों अपना रखें ख्याल, मैं चला अपनी मंजिल की तरफ। थैंक यू सो मच। देखिए दोस्तों, अब मैंने साइकिल को खड़ा कर दिया और अब मैंने इसको ये बंद कर दिया। ये बंद इसलिए नहीं हो रही कि वो कह रही है कि मुझे पहले मैप दो, तो मैं अब इसको अपना मैप दूंगा और फिर मैं इसको बंद करूंगा।